जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से उनके विक्रमादित्य मार्ग स्थित आवास पर मुलाकात की। मुलायम सिंह यादव की पुरानी यादें दोहराते हुए अखिलेश यादव को उन्होंने भरोसा दिलाया कि आप भविष्य हैं। अखिलेश यादव ने फारूक अब्दुल्ला का स्वागत किया और उनका आभार जताया। मुलाकात के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा और राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी उपस्थित रहे। फारूक अब्दुल्ला ने इस दौरान कहा कि मुल्क के हालात ठीक नहीं है, बीजेपी सरकार विपक्ष के प्रति बदले की भावना से काम कर रही है, जनता को झूठे वादों से बहकाया जा रहा है, बीजेपी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, महंगाई चरम पर है, अर्थव्यवस्था चौपट है, नौकरी नहीं है, बेकारी बड़ी है, बीजेपी ने देश को गरीब बना दिया है, कुछ लोगों को इतना अमीर बना दिया है कि उनकी दौलत आसमां छू रही है। का निगम हुआ, मैं नहीं आ सका। आज मैं इनके घर आया, अपनी तरफ से, अपने बेटे की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से इनसे शोक मनाया मैंने और उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना की। वो वहाँ पे जहाँ हैं वहाँ सुखी रहें और प्रभु उनको स्वर्ग में जगह दे। मुलाकात करने के लिए शिष्टाचार मुलाकात हुआ, बहुत बात हुआ। आज हिंदुस्तान का जो राजनीति है, भाजपा क्या हिंदुस्तान आज क्या खिलाया, ये सब बात भी हुआ। कश्मीर के साथ हम लोग का जो रिश्ता था, अभी भी ज़्यादा रिश्ता तैयार होगा। कश्मीर का जनता का जो हाल है, इसलिए हम लोग बहुत दुखी है। दोनों चाहते हैं कश्मीर खुशहाली रास्ता पे आ जाए। कोई थर्ड फ्रंट बनने जैसी ज़्यादा बात हुई है अब बीजेपी और कांग्रेस से अलग होकर के? अभी थर्ड फ्रंट का बात नहीं हुआ, तो हम लोग सब चाहते हैं उत्तर प्रदेश ही देश को बचा सकते हैं, अखिलेश यादव देश को बचा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में साल 2013 में हुए दंगों के मुख्य कारण कवाल कांड था, जिसके कारण प्रदेश में राजनीतिक दिशा ही बदल गई। वहीं कवाल कांड का पीड़ित परिवार आज भी इंसाफ के लिए गुहार लगा रहा है। वहीं अब पीड़ित परिवार ने बड़ा फैसला लिया है। कवाल कांड में मारे गए गौरव की माँ ने खतौली विधानसभा से उपचुनाव लड़ने की घोषणा की है। कवाल कांड में मारे गए गौरव के पिता रविंद्र सिंह ने बताया कि आज 9 साल होने के बावजूद भी उन्हें भारतीय जनता पार्टी के शासन में कोई न्याय नहीं मिल पाया है। मीडिया से बातचीत करते हुए मृतक युवक गौरव के पिता ने आरोप लगाया कि दंगों का फायदा उठाकर बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली, लेकिन आज तक हमारे लिए कुछ नहीं किया। रविंद्र सिंह ने बताया कि उनकी पत्नी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला ले चुकी है। कहीं बंदर कहीं जो ये खड़े हो गए अपने उसके लिए, हमें नहीं दिखे भाई हमारे हमदर्द हैं, कुछ मदद करेंगे ये भी। हमने तो किसी से और तक सहयोग नहीं लिया, ये भी सब बन गए, सरकार भी बन गई, कहीं मुकदमे में कहीं कोर्ट में कहीं। जब तो उस समय तो पुलिस ने FIR लगा दी थी, सही काम कर रहा था पुलिस ने जो थी उस समय की सरकार में। और इस सरकार में हम जेल भी चले गए, मुकदमे लड़ रहे, मुकदमे हमारे पे 302 के परिवार वालों पे, जो वहाँ कोई भी नहीं था परिवार का आदमी, ना कहीं किसी प्रकार की कोई मदद, कोई लाइसेंस हमें नहीं मिला किसी नायलन, ना हमारी कहीं सिफारिश करी भाई ना लाइसेंस भी मिलना चाहिए। नहीं 2-4 बार बताया भी लिया, 8 साल हो गए बताते इनके, हमें कुछ बताया नहीं। मृतक क्या आप क्या लगते थे, कौन सा लड़का था? मृतक हमारे गौरव हमारा बेटा था, सचिन हमारे साल का लड़का था, किशन का। क्या कहेंगे कि हर साल आपके यहाँ जो पुण्यतिथि होती है गौरव सचिन की, उसमें भाजपा के तमाम मंत्री जाते हैं? तमाम मंत्री कहाँ जा, कपिल देव पिछले साल का था, तो ने कहा उससे 2-4 सवाल पूछ लेते, वो गया नहीं। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम ने आज अपने पति और देवर को बेगुनाह बताया। उन्होंने अपने आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके CCTV फुटेज में दिखाया, जिसमें प्लॉट में लगी आग को आतिशबाजी से बताया गया है। सीसामऊ सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी ने 6 मिनट का एक फुटेज दिखाया। इस फुटेज में प्लॉट में लगी आग का कारण आतिशबाजी से लगी आग बताई जा रही है। इसमें दिखाया गया है कि आग लगते वक्त उस प्लॉट के आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, अचानक दूर से एक चिंगारी की तरह आने के बाद आग लगी है। उनका दावा है कि कुछ बच्चे पटाखे जला रहे थे, जिससे ये आग की घटना हुई है। उनकी दलील है कि इस पूरे मामले में बेवजह तूल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस CCTV देखकर अपनी कार्रवाई करे, तो खुद ब खुद सारी घटना साफ हो जाएगी। दो दिन से यही कह रहे हैं कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिजवान भाई के नाम से है, प्लॉट वो हमारे पे पेपर है, हम दिखा रहे हैं। उन महिला से कहती आप भी कोई अपने पेपर ले आए और जो इसकी जांच हो जाए, बस यही हमारा कहना। और हम योगी जी से और कमिश्नर साहब से दोनों से आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि आप इसकी जांच करा लें।
और जो दूध है पानी का पानी हो जाए। और मेरे पति निर्दोष है, उनका इस प्लाट से कोई लेना देना नहीं है, और बल्कि वो प्लाट तो रिजवान भाई के नाम से। महोबा में आरएसएस का अनुषांगिक संगठन गंगा समग्रह में बड़ी भूमिका निभा रहा है। इसी के चलते गंगा समग्रह के महोबा जिला संयोजक मनीष कुमार नामदेव के नेतृत्व में कीरत सागर के तट पर गंगा आरती, दीपदान कार्यक्रम और स्वच्छता गोष्ठी हुई। इस आयोजन के दौरान उन्होंने कहा कि भक्त समग्रह गैर राजनीतिक और देशभक्तों का एक मंच है जो गंगा को निर्मल और अविरल बनाकर उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर है। हम भारत की सभी नदियों को साफ सुथरा देखना चाहते हैं। इस कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यूपी के फिरोजाबाद में जीएसटी ने दो तंबाकू व्यापारियों के घर छापेमारी की, जिसमें वहां हड़कंप मच गया। जैन व्यापारी के घर गोदाम में सेंट्रल जीएसटी की टीम ने छापेमारी की, जिसमें कंप्यूटर समेत अन्य अभिलेखों को कब्जे में ले लिया गया और जांच की जा रही है। इसके साथ ही सितारगंज क्षेत्र के सेंट्रल जीएसटी टीम ने छापेमारी की, जिसमें वहां हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि जीएसटी टीम ने खुन्नीलाल जैन तंबाकू व्यापारी के घर छापेमारी की थी। बताते चले कि खुन्नीलाल जैन तंबाकू व्यापारी के घर पर छापेमारी हुई थी। शुक्रवार की सुबह करीब 7 बजे नगर के प्रसिद्ध खुन्नीलाल जैन केसरिया तंबाकू व्यापारी के MGpuram स्थित गोदाम और व्यापारी के मकान पर आगरा सेंट्रल जीएसटी टीम की कई गाड़ियों ने एक साथ भारी पुलिस बल के साथ छापा मारकर कंप्यूटर सहित तमाम दस्तावेज अभिलेखों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कन्नौज में निपुण भारत मिशन के तहत नुक्कड़ नाटक कर शिक्षा का पाठ पढ़ाया गया, जहां कन्नौज बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से गांव गली में नुक्कड़ नाटक का आयोजन हुआ। बता दें कि यहां पर तरंग सेवा संस्थान से आए लोगों ने नुक्कड़ नाटक कर शिक्षा पर जोर दिया। नाटक के जरिए सर्व शिक्षा अभियान की जानकारी दी गई, जहां कई विद्यालय के बच्चे कार्यक्रम में उपस्थित रहे। बता दें कि कस्बा हसेरन सदर बाजार में नुक्कड़ नाटक का आयोजन हुआ था। हमने शिक्षा कुछ भी नहीं दी है, शिक्षा स्कूल देता है। मैं अभिभावकों से केवल ये वार्तालाप कर रहा हूँ, गांव-गांव जाकर लोगों से ये केवल बात कर रहा हूँ कि लोगों से हम ये अपील करते हैं कि अपने बच्चों की शिक्षा के महत्व को समझें, और उन सरकारी स्कूलों में जो मास्टर्स हैं वो गांव-गांव जाकर लोगों को बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के लिए आते हैं। डीएम जसजीत कौर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभागार में यातायात व्यवस्था के संबंध में आयोजित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। डीएम की तरफ से शहर में ट्रैफिक जाम के नियंत्रण को लेकर चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को ट्रैफिक जाम नियंत्रण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें यातायात व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात भी समझाई गई और इन इश्यूज पे डिस्कस किया गया है। कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि जो जाम की सिचुएशन पिछले हफ्ते में बनी थी इस सिटी में, वो दोबारा सिचुएशन ना बने। उसके लिए चीनी मिल को कुछ निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने यार्ड की व्यवस्था करें, यार्ड थोड़ा एक्सटेंड करें, ताकि जो ट्रॉलियाँ सड़क जाम करती हैं उनके यार्ड में पहले ही अंदर हो जाएं और बाज़ारों में खड़ी ना रहे। इसके अलावा जो ब्रेकडाउन शामली मिल में हो रहा है, उसका कुछ टेक्निकल सोल्यूशन वो देखें कि बार बार ब्रेकडाउन ना हो, और यदि ब्रेकडाउन जैसी स्थिति होती है तो उसका सूचना जो है टाइमली किसानों तक पहुंच जाए। उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से किसानों को सूचना देना, अनाउंसमेंट करना, कुछ सोल्यूशन हम लोगों ने उनको बताए हैं, उस पर ये व्यवस्था जो है ये करेंगे। इसके अलावा जो हमारी ऑल्टरनेट रूट्स बन सकते हैं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बैनर तले राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिले न्यायाधीश मृदुल कुमार की अध्यक्षता में हुआ। जिला जज ने दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया। इस वित्तीय वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकृति के 14,803 वादों का निस्तारण किया गया। SBI के मुख्य शाखा प्रबंधक धर्मेंद्र ने बताया कि इस लोक अदालत में कैंप लगाकर हम 5,000 से अधिक लोगों के मामलों को खत्म कर चुके हैं। पिछली लोक अदालत में 2.5 करोड़ से अधिक राशि जमा हुई थी, इस बार उससे भी अधिक होने की उम्मीद बताई जा रही है। राशि इसमें शामिल है लोन्स की, जो ऋण खराब हो चुके हैं, लोग किसी वजह से जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको लाभ देते हुए थोड़ा सा उनको मुख्य धारा में लाने के लिए उनको छूट देकर उनको थोड़ी राहत दी जा रही है। इस कैंप के जरिए लोग छूट दी जाती है? हाँ, कैंप के जरिए छूट दी जाती है, जो अमूमन हम लोग आमतौर पर छूट देते रहते हैं। लोक अदालत की अगर आप बात करें तो हमने लगभग, मैं भारतीय स्टेट बैंक की बात कर रहा हूँ, पूरे हाथरस जिले की लगभग 155 लाभार्थियों को हमने इसमें सहूलियत दी थी, जिनके रेट हमने कुछ माफ़ किए थे और उनसे समझौता कर उन्हें कर्जे से मुक्ति दिलाई थी।
इस बार भी दोघट थाने पर आयोजित समाधान दिवस पर एसपी बागपत नीरज कुमार जादौन थाने पहुंचे। थाने पर एसपी बागपत नीरज कुमार जादौन ने फरियादियों की समस्या सुनी, जिसमें पति पत्नी के विवाद और लड़की को भला फुसला कर ले जाने के मामले का मौके पर ही पुलिस टीम भेजकर निस्तारण किया गया। तो वहीं भड़ल गांव में दो किसानों के जमीनी विवाद में ट्रैक्टर चलाने वाले के खिलाफ पकड़ने के निर्देश दिए गए। एसपी बागपत ने पुलिस कर्मचारी और लेखपालों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।